What is up gamers, welcome back to another video. So GTA 5 को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गेम प्ले। तो इसमें हम क्या करने वाले, एक सुपर कार चुराएंगे, मतलब हाँ चुराएंगे ही, क्योंकि खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं है हमारे पास, सिर्फ 100-200 डॉलर ही है। तो जो मैप का लोकेशन है मुझे पता है कि कहाँ से चुराना पड़ेगा, मैंने पहले देखा था। एंड इस स्क्रीन को क्या हो गया, ओके अब ठीक हो गया। तो मुझे लोकेशन पता है तो मैं आपको मैप ओपन करके अभी दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी मेरा फुल मैप अभी ओपन नहीं हुआ है, न्यू खेला तो ऐसे भी फुल मैप नहीं है। तो मेरे स्क्रीन को बार बार क्या हो रहा है, तो कोई नहीं यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर कहीं पर था, हाँ ये रहा, इस बार लोकेशन पर हमारा था वो सुपर कार। तो हाँ मुझे ठीक से याद है यहाँ पर ही था, मगर यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सी जगह पर वो हमें वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो इस वाले घर के एरिया में ही चलते हैं। तो यहाँ पर एक वेपन सेलेक्ट कर देते हैं एंड हम चलते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ से हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो कोई नहीं हम कोई एक गाड़ी लेकर चलेंगे। तो चलते हैं कोई एक गाड़ी ढूंढते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे टैक्सीज हैं, टैक्सी से हम बिल्कुल नहीं जाने वाले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो उसके लिए हम देखते कोई और गाड़ी मिलता है या फिर नहीं, तो इस वाली गाड़ी को लेते हैं। पुलिस वुलिस का मामला नहीं है तो अभी हम गाड़ी से जाते हैं। तो ये वाला गाड़ी तो छूट गया, तो कोई नहीं। अभी मैं एक बात बताने जा रहा था कि माइकल क्यों नहीं दिख रहा। तो भाई आप सभी को पता है माइकल अभी ऐसे आराम की नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, तो इसको कोई मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता इन सभी मामलों में, इसलिए मैंने फ्लैंकिंग को चूज़ किया। एंड एक गाड़ी तो अच्छा ही है मगर ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन से जगह से चल सकते हैं। तो यहाँ से हमें चुराना पड़ेगा एंड काफ़ी दूर का रास्ता है। इस वाले गाड़ी का नाम क्या मुझे पता नहीं, मगर जो गाड़ी मैंने जब कल मैंने गेम खेला तो वो मैंने गाड़ी उस घर के पास देखा था, अब तक है कि मुझे पता नहीं, मगर फिर भी चल कर देखते हैं। लगता तो वहाँ पर रहेगा क्योंकि अमीर एरिया है वहाँ पर। तो गाड़ी से हम चलते हैं अभी, देखते हैं वहाँ पर गाड़ी मिलता है या फिर नहीं। एंड बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे कि मैं टेक्नो गेमर्स का कॉपी कर रहा हूँ, तो भाई नहीं, जो जी डी एम करते वही टेक्नो गेमर्स कॉपी नहीं करते। मतलब हाँ मैं उनसे इंस्पायर हुआ ही, उनके वीडियोज़ पहले देखता था, तब सोचा कि हम लोग के लिए भी अब वीडियोज़ बनाऊँ। एंड यहाँ पर अभी रेड सिग्नल आ गया, थोड़ा रुकना पड़ेगा, कोई क्राइम नहीं चलेगा अभी। हाँ क्राइम करेंगे जगह पर पहुँचने के बाद। तो टैक्सी है भाई, टैक्सी में क्या करता है, इसका स्टिकर दिया गया है। तो अभी चलते हैं, अभी अभी तक सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ, सिग्नल खुल गया, अभी हम चलते हैं। एंड इस वाले से लेफ्ट टर्न ले लेते हैं अभी। पहले इस रेडियो को बंद कर दो यार, कितना बेकार साउंड करता है। हाँ अब ठीक है थोड़ा। अरे यार कहाँ आ गया, अब जाऊँगा कहाँ से। हाँ हाँ हट रहा हूँ यार, यहाँ के लोग भाई, वो भाई क्या गाड़ी है, इसको ले लेते हैं, अभी तो कोई झमेला भी नहीं है। यहाँ पर हम रुकते हैं। ओ भाई ज़्यादा अच्छा तो नहीं है मगर इससे तो अच्छा ही होगा। तो चलो, अरे यार चल ना फ्रैंकलिन, ओके चल रहा है। तो ये वाला गाड़ी इसको हम अच्छे से लेंगे एंड अच्छे से जाएंगे। ओके जल्दी से हम ले लेते हैं इस वाले गाड़ी को एंड यहाँ से सीधा भागेंगे। तो मैंने सोचा था कि कोई क्राइम नहीं करेंगे, मगर क्या करें, करना पड़ रहा है यार। इस वाले गाड़ी में रेडियो चल रहा है तो इसको साउंड को ऑफ कर देते हैं। ओके अब ठीक है। एंड यहाँ से हमें लेना है भाई, इस गाड़ी का स्पीड काफ़ी अच्छा है पहले वाले गाड़ी से, हम जल्दी से पहुँच जाएंगे। तो अब चलते हैं, अभी रॉन्ग वे पे चल रहा हूँ। ओके तो अब जल्दी से चलते ही, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वरना रात हो जाएगा। एंड रात में भाई पुलिस का पीछा छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कि मुश्किल है मतलब रात में कहीं से भी आ जाते दिख नहीं रहा, दिन में अच्छे से हम चुरा सकते। तो चलो, ओ भाई रेड सिग्नल आ गया था। आराम से। उसके बाद से हम गाड़ी मतलब बंगला भी खरीदेंगे और भी सुपर कार्स भी इंपोर्ट करेंगे। देखेंगे इंडियन कार्स में मिलते हैं या फिर नहीं, मैंने सुना है यहाँ पर एक स्टोर इंडियन कार्स मिलते हैं, तो वो भी हम ट्राई करेंगे लेने की। सबसे पहले हम यहाँ पर जाके उस सुपर कार को चुराते हैं जिससे कि हम उसे बेच कर पैसे कमा पाए। आप लोग सोच रहे हो कि मैं उसे ले के नहीं सकता, हाँ मैं चाहता तो उसे ले सकता हूँ, मगर अभी सुपर कार की जरूरत नहीं, अभी मुझे घर वर वगैरह खरीदना है। एंड फ्रैगलिंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, एकदम मतलब भिखारी टाइप का हाल है। एंड ये मेरा GPS खाक हो गया। तो ये देखो बातों बातों में हम लोकेशन पर भी पहुँच गए। तो इस वाला घर या होटल मुझे पता नहीं, शायद होटल ही है। इसके पीछे एक पार्किंग लॉट है, वहाँ पर मैंने देखा था। तो सबसे पहले देखते हैं गाड़ी को अच्छी जगह पार्क कर लेते हैं यहाँ पर, एंड आसपास के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ सब छुप जाते हैं। तो भाई देखते हैं यहाँ पर कहीं पर था एरिया मुझे यार, तो मगर एग्जैक्ट कहाँ मुझे पता नहीं था। इस घर के पीछे या फिर इस वाले घर के पीछे, मतलब घर नहीं होटल है,
या फिर कोई फ्लैट होगा नहीं, हाँ एक रिजॉर्ट है। तो यहाँ पर आसपास के एरिया में एक पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ था रेड कलर का, एंड ये वाला भी नहीं था। अरे यार हट जाना, ओ भाई हाँ हाँ ये रहा, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, ये वाला कार, ये वाला बिल्कुल ये वाला कार है। तो यहाँ से हम अभी ऐसे तो नहीं ले जा सकते भाई, कार का लुक्स देखो, यहाँ से आसपास तो पुलिस भी नहीं दिख रहा। एंड चुरा ले क्या भाई, देख के पुलिस बोले पीछे पड़ेगा एंड हमें भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो कार का लुक्स काफ़ी अच्छी है, इसे हम चुरा कर देखते हैं पुलिस पीछा करता है या फिर नहीं। तो देखते हैं, हम चुपके से लेंगे इस वाले कार को। ओ भाई अनलॉक है, लॉक भी नहीं हुआ है। और नहीं, पुलिस पुलिस नहीं। ओ भाई भाई पुलिस आ गया, पुलिस आ गया भाई, जल्दी से भाग लो जल्दी से, यानी ऐसे पार्क किए गए हम भाग भी नहीं सकते। जल्दी से 3 स्टार का पुलिस भाई, ये गाड़ी के लिए 3 स्टार का पुलिस कौन लगाता है, वैसे भी अच्छा गाड़ी है। एंड यहाँ से भाग चलते हैं। एंड मैं इस गेम में नया नया, ठीक से भाग नहीं पाऊँ, कौन से कहाँ से रास्ता है क्या, यार बोल भी नहीं पा रहा, इतना एक्साइटेड हूँ। एंड गाड़ी अगर मिल जाए ना भाई, अच्छा प्राइस मिलेगा, तो देखते कहाँ जा सकते हैं। अभी मैं तो प्रो प्लेयर उतना हूँ नहीं कि पुलिस को चकमा दे दूँ, अभी मेरा फर्स्ट टाइम है गाड़ी चुराना, मतलब पहले भी छोटे मोटे गाड़ी चुराए मगर ये वाला कोई सुपर कार नहीं चुराए। तो देखते हैं भाई क्या क्या कैसे कंट्रोल होता है भाई, मगर स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड भाई जिसका डर था वही होगा, रात हो गया एंड भाई गाड़ी कहाँ से ले जाओ कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वाले एरिया में मैं कभी आया भी नहीं, सिर्फ गाड़ी के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पर स्पीड तो काफ़ी अच्छा है। अरे पुलिस यार, आराम से भाई, गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, गाड़ी तो रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी रेड कलर अच्छा है, मगर इसमें हम कुछ नियॉन लाइट वगैरह देंगे, गाड़ी के नीचे जो लाइट्स होता है वो वाला देने की कोशिश करेंगे। एंड भाई सामने से क्या यार, तो कोई एक सीक्रेट जगह पर जाना पड़ेगा, जो मैंने देखा टेक्नो गेमर्स के वीडियो में वो टनल में जाता है, मगर मुझे टनल तो क्या कहाँ कुछ नहीं पता, मतलब कहाँ पर क्या होता है। एंड मैंने पूरा मैप भी नहीं घूमा कि मुझे सब लोग पता होगा। तो इस वाले एरिया में शायद पुलिस नहीं आए, नहीं भाई पुलिस तो इस वाले एरिया में भी आ रहा है। ओ भाई क्या 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 हो रहा है, क्या यार सामने से मत आ। ओके ओके, मैं जो है पसीने से भीग गया हूँ। तो ओके देखते हैं, विलेज टाइप के एरिया में आ चुके हैं एंड होपफुली यहाँ से हम रिकवर हो जाए। नहीं, अरे 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 अरे, यहाँ पे नहीं चलना, यहाँ पे नहीं चलना, यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते, देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते, शायद पुलिस पीछा छोड़ दे। हाँ फाइनली, उफ पुलिस का तो पीछा छूट गया, मगर यहाँ से जाऊंगा किधर भाई, कितनी खुशी हो रही है भाई, पुलिस का पीछा छोड़ नहीं रहा था। आपसे अगर इस एरिया में कोई गाड़ी छुड़ाऊंगा ना भाई, यहाँ पर छुपूंगा। तो देखते हैं अभी, एंड ये तो गाड़ी ऑफ रोड के लिए बनाई नहीं है, ऐसे कैसे चलाऊंगा। तो जल्दी से इस कार को मॉडिफाई करेंगे, उसके लिए हम लोकेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी को मॉडिफाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस वाले शॉप पर। तो यहाँ पर हम वेट पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, चलते हैं इस वाले शॉप पर। तो हम आने वाले, यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पर कौन शॉप करता है यार, तो यहाँ पर कहीं होना चाहिए। हाँ ये रहा कस्टम्स 24 ऑटो रिपेयर। तो चलते हैं इस वाली कार को क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं देखते हैं। इस कार का नाम है ओवरफ्लोड एंटिटी XXR। भाई गाड़ी की हालत बिल्कुल ख़राब है, मगर इसको हम अच्छे से मॉडिफाई कर देंगे। तो गाड़ी तो अच्छे से फुल फाइनल हो चुका है, गाड़ी का लुक सब अभी देखो। तो आप सोच रहे हो कि न्यू लाइट्स क्यों नहीं लगाया, तो भाई पैसे नहीं, आपने देखा इसके अंदर कितने पैसे थे, $200। एंड उसमें से यही हो सकता है, अभी न्यू लाइट्स का झमेला नहीं है। तो पहले इस गाड़ी को बेचेंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा सा गाड़ी लेने का, उस पर हम न्यू लाइट्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम घर पर चलते हैं, फ्रैंकलिन के घर अभी हम रह रहे हैं, तो फ्रैंकलिन के घर चलते हैं अभी। फ्रैंकलिन के घर का लोकेशन मैंने पॉइंट कर लिया, अभी हम चलते हैं वहाँ से एंड गाड़ी को रखेंगे गराज में, ताकि कोई छुरा ना ले जाए। भाई गाड़ी के एग्जॉस्ट का साउंड बदलना पड़ेगा, वैसे अच्छा ही है मगर फिर भी अच्छा से एग्जॉस्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं अभी जल्दी से फ्रैंकलिन के घर। एंड भाई मैं तो भीग गया, घर में एसी भी नहीं है इसलिए पंखे चलाने में पड़ रहा है। एंड यहाँ से हम चलते हैं फ्रैंकलिन के घर। गाड़ी को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, आराम से चलाएंगे, धीरे हो मगर कोई नहीं चलेगा, रात चलाते चलाते तो सुबह हो जाएगा इतना। एंड अभी सिग्नल भी आ गया, ओ ग्रीन हो गया, अभी हम कोई क्राइम नहीं कर सकते, पहले जो किया वो भूल जाओ।
अभी तो हमारे पास गाड़ी भी है, किसी को शक भी नहीं है कि हमारे पास है, तो चलते हैं यहाँ से। घर में सब चौंक जाएंगे कि भाई इतना महंगा गाड़ी कहाँ से, क्या यार मेरा नई गाड़ी यार खराब कर दिया, अब फिर से रिपेयर करना पड़ेगा क्या। तो कोई नहीं, फ्रेंकली के घर के पास जो रिपेयर शॉप है वहाँ से करेंगे, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा। एंड गाड़ी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमने चुराया है, सब लोग छोड़ेंगे नई गाड़ी हमने खरीद लिया है कोई मतलब काम वाम करके अच्छे पैसे से, मगर कोई नहीं जानता हमें चुराया हुआ गाड़ी है। एंड चलते हैं अभी, तो उतना अच्छा भी मुझे चलाना नहीं आता, तो गाड़ी का हालत बिल्कुल ख़राब हो गया। तो कोई नहीं, टाइम के साथ साथ ये भी अपडेट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक से करा कीजिए। तो कौन सा घर मेरा है यार अभी तक, ये वाला नहीं, ये हाँ ये वाला, इस वाले एरिया में हम घुसा देते, पार्क कर देते। तो पहले से हुए फ्रेंकी के घर मतलब गाड़ी है, तो इसको हम साइड पे करते हैं, गाड़ी को सबसे पहले पहले बाहर निकालते हैं। भाई क्या फ्रेंकली कितना अच्छा गाड़ी है, मगर फिर भी ये पुराना गाड़ी, तो इसको हम निकाल लेते सबसे पहले। तो इसको हम करते हैं बैक, वो गाड़ी पे रोड पे नहीं, रोड पे नहीं। एंड इस वाली गाड़ी को हम कर लेते गैराज पे। हो गया हो गया हो गया, अभी हम निकल लेते हैं, अब जो होगा कल सुबह देखा जाएंगे। सबसे पहले हम घर पे आराम कर लेते हैं, यार कहाँ से जा रहा है यार। एंड गाड़ी को यहाँ नहीं छोड़ सकते, ये फ्रैंकलिन का कार है, तो यहाँ पर आगे ले चलते हैं इसे, गाड़ी पे यहाँ रहने दीजिए। तो चलो यार घर पे चलते, जहाँ से आए थे वहाँ पर, तो घर में अभी रेस्ट कर लेते हैं।